आज का आपका पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिका। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागीय है? दूसरे का बताइए, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है? माइक्रो प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न, जब मानव हृदय में बायो वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब रक्त किस ओर चलता है? एक बार और देखेंगे क्वेश्चन, जब मानव हृदय में वाया वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब रक्त किस ओर चलता है? बड़ी धमनी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। प्रश्न, साइक्लोटोन का उपयोग किसे त्वरण प्रदान करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉपर ल्यूटियम कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है, यह किसमें पाया जाता है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा, अंडाशय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम है? पानी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, पानी। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 65, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। दोस्तों, वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से आता होगा तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न, एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दोगुना है, इसका अंत किस रूप में होगा? न्यूट्रॉन तारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। गोइटर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा, गोइटर। नंबर 12, बहुत अधिक T3 और T4 हार्मोन के रिलीज होने के लक्षण क्या हैं? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? विपारा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का एक प्रकार नहीं है? गैसे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट होगा, गैसे।
अगला प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, भूकंप आने से कुछ मिनट या घंटे पहले निम्नलिखित में से कौन सी गैस जमीन से छोड़ी जाती है? रेडान, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट होगा, रेडान। अगला प्रश्न, एड्स किसके कारण होता है? वायरस, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा, कूलाम। अगला प्रश्न, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं के कैंसर को कहते हैं? ल्यूकीमिया, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, प्राकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न, किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, किस हार्मोन के कारण हृदय संपदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट होगा, प्रिस्टले। अगला प्रश्न, किस पदार्थ की प्रत्यावस्था सबसे अधिक होती है? नंबर 27, स्टील, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है? अनुमस्तिष्क से, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक एवं कलात्मक मिश्रण से प्राप्त आहार योजना का नाम है? पथ्यापथ्य, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं के कैंसर को कहते हैं? ल्यूकीमिया, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा।
अगला प्रश्न, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैंगनी, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट होगा। अगला प्रश्न, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है? क्षार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, क्षार। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त तो हो जाती है? थाइमस, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा, थाइमस। अगला प्रश्न, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था? लुइस, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस कारण से? घर्षण बल से, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट होगा। अगला प्रश्न, वायु क्या है? मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो अपने आंसर मिलाते रहिएगा। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? आमीटर, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न, धनिया की फसल में नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है? 30 किग्रा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सौर मंडल के बारे में विश्व के सक्षम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, एपिफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर के लिए निर्भर होते हैं? शारीरिक समर्थन, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, सफेद। अगला प्रश्न, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? संश्रित प्रकाश पुंज, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा।
अगला प्रश्न, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, सिलियरी पेशियों द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट होगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधक कितना होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट होगा, अनंत।